हाँ जी मेरे वीरियो सत श्री अकाल सारे एक बार फिर दिन बहुत ही सोहना सनी अराउंड 2 बजे ने 2:30 आई थिंक होपफुली 3 बज गए मेरा मनना है। एनीवेज वैदर अज सवेरे -20 सी तो मैंने पता ही टैंपरेचर जरा अप हो जाना हूँ दोपहर तक -10 हो गया। बहुत ही वधिया स्नो शूइंग बार हाइकिंग सो आ गन जी उदन विखाई ही तो मैं यही मैं जरूर ट्राई करा अगो पता नहीं मैं किन्ना कु बिजी होवगा। तो एनीवे सेम ही गन है जी हैनरी की 22 मैगनम मेड इन US बहुत प्राउडली कहते ब्रांड न्यू गन है। पहला मैं भी नहीं ट्राई की है फस्ट टाइम ट्राई करन की पंप एक्शन है यदा हैवी बैरल ऑक्टागोनल बहुत ही नाइस वालनट स्मूथ यदा स्टॉक है फोर एंड भी तो बैक वाला भी तो प्रोसैस यदि सिंपल है दिखा देना पहला लिखा कि ये आखो जरा 22 मैगनम तो इधर लिखा दे हैनरी रिपीटिंग आर्म्स मेड इन बेन आई डोंट नो हाउ यू से इट बट न्यू जर्सी मेड इन US तो आदि मैग है इतों की हमने तो शूट करके खावे खोली आज जो इतों एक्सपोज हो जाता होल इतों की लोड करती लोड करके तो फिर बंद कर दी तो पहली बार एक्शन इनू दब के इदा होना तो बस फिर उस तो बाद चलता रहना। तो वेट वाइज थोड़ी जी ज्यादा लगती वेट आई थिंक बैरल यदा हैवी है ता करके सेंटर से जिते को बैलेंस होंगी वधिया पर कैरी करना आसान ही है लेकिन तुम वेख सकते हो जो आराम इतों ही पड़ा थले जमीन तो नहीं लगती तो एन वधिया आई थिंक यंग शूटर वास्ते ठीक रहेगी बट एक्शन वाइज कितना एक्यूरेसी कितनी ये हमने आप ट्राई करके देख लें पर हम लुक वाइज इनू थोड़ा जहा मूव कराना रखना बहुत बहुत ही नाइस कारबीन स्टाइल है यू नो एडी एडी बिल्कुल राइफल स्टाइल नहीं कारबीन स्टाइल जी है। सो आओ करके देखने ट्राई तो एक रेट दसना भूल गया थोड़ा मैं अराउंड $700-800 है जो दसा हजे भी तुरी फिरती है ब्रांड न्यू नहीं लगती कैनडा बट यूज मार्केट से इनकी तो मिल जाती है आओ करने ट्राई। लो जी बहुत ही प्यारी गन है जी शूट करन च बहुत ही नाइस है एक्यूरेट भी है मैं शूट कर रहा 25 मीटर तो 25 मीटर से शूट कर रहा
ਸੋ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ 22LR ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫੀਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 22LR ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗਨ ਨਵੀਂ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਟਰੀਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਜੇ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਮਸਾਂ ਦੇ 20 ਬਾਈ ਕੱਢੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ ਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਦੈਟਸ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਾਇਸ ਮਾਈਟ ਕੀਪ ਇਟ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੀਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ